क्वेश्चन है इफ पी इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन हुज इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस आर ए एंड बी देन शो दैट 1 बाई पी स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर। एक क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से लिया गया है। मान लेते हैं ए कोई लाइन है जो एक्स एक्सिस से ए इंटरसेप्ट और वाई एक्सिस से बी इंटरसेप्ट बनाता है। मान लेते एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट ए है तो ए का क्वाड्रेंट ए जीरो होगा। ए पॉइंट मान लेते हैं बी है, वाई इंटरसेप्ट बी है, इसका क्वाड्रेंट जीरो बी होगा। तो ए डिस्टेंस ए, ए डिस्टेंस बी, क्वाड्रेंट निकल गया। तो स्लोप ऑफ ए बी कितना होगा? स्लोप ऑफ ए बी होगा जीरो माइनस बी, वाई टू माइनस वाई वन, जीरो माइनस बी बाई ए माइनस जीरो, यानी माइनस बी बाई ए। ए बी का स्लोप इतना और ए बी ए जीरो से गुजर रहा है, इसलिए इक्वेशन ऑफ ए बी होगा y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप m x माइनस ए, यानी ये हो गया ए वाई इक्वल टू माइनस बी एक्स प्लस ए बी, यानी ए हो गया बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी इक्वल टू जीरो। ए इसका ऑरिजिन से क्वेश्चन में दिया गया है कि लेंथ पी जो है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन है, यानी ए ओरिजिन से ए जो परपेंडिकुलर है इसका लेंथ पी है। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन मीन जीरो जीरो, तो P इक्वल टू होगा x के लिए 0, y के लिए 0 बैठाएंगे प्लस a इंटू y के लिए 0 माइनस ab बाई x का कोफिशिएंट b स्क्वायर बाई a स्क्वायर का अंडर रूट, इसका पॉजिटिव वैल्यू इंप्लाइज पी इक्वल टू ए बी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, इंप्लाइज पी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। इसे हम अगर उल्टा कर दें तो 1 बाई पी स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी यहां जब स्क्वायरिंग करेंगे इसका तो ये तो रूट गायब हो जाएगा, तो पी स्क्वायर तो ए उल्टा हो जाएगा, मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा 1 बाई पी स्क्वायर इंप्लाइज 1 बाई पी स्क्वायर इक्वल टू, जब बी स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर का बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल 1 बाई ए स्क्वायर, जब इसके नीचे आएगा तब ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल 1 बाई बी स्क्वायर, यही हमें प्रूफ करना था।